रेलवे ने त्योहारी सीजन के लिए कमर कस ली है और यहाँ पर रेलवे के आला अफसर हैं जो प्लेटफार्म पर घूम रहे हैं, जगह जगह व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, नॉर्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल जी। आइए उन्हीं से पूछते हैं, उन्होंने क्या देखा। सर, क्या देखा आपने, किस तरह की व्यवस्था देखी? देखिए, हम लोगों ने सभी तरह की व्यवस्था करी है। एडिशनल भीड़ को देखते हुए उनके ठहरने के लिए दो टेंट लगाए गए हैं जिनमें लगभग 1000 व्यक्तियों के वेट करने की सुविधा है। साथ साथ उनके आसपास पानी पीने की व्यवस्था, छोटे स्टॉल्स और टॉयलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिससे उनको यदि किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो वो हो सके पूरी। साथ साथ हम लोग एडिशनल काउंटर्स भी लगा रहे हैं जिनमें रिजर्वेशन टिकट उपलब्ध हैं, जिससे यात्री जो आ रहे हैं और यदि स्थान उपलब्ध हो तो वो यहाँ पे भी रिजर्वेशन करा सकें और उन्हें भी किसी भी तरह की यदि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करनी है उसके लिए भी सुविधा की है। साथ में एक कंट्रोल ऑफिस बनाया है जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था, उसमें सभी विभागों के स्टाफ मौजूद हैं जो किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत पड़ने पर उसमें सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। आरपीएफ का भी कंट्रोल रूम है, उन्होंने आरपीएफ ने अपना सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी करी हुई है यहाँ पे, जिससे उसमें यदि उन्हें कहीं पे भी कुछ अगर ज़रूरत पड़ती है या लगता है कि कहीं पे हस्तक्षेप की ज़रूरत है तो आरपीएफ उसमें तुरंत सुरक्षा की व्यवस्था कर सकता है। स्पेशल ट्रेनों की कितनी व्यवस्था की गई, क्योंकि सबसे मारामारी रहती है कि रिजर्वेशन ही नहीं मिलता है। रिजर्वेशन मिलता है तो पता चला उसके बाद उसमें ढेर सारे लोग घुस जाते हैं रिजर्व कैटेगरी के अंदर, यानी डिब्बा तो रिजर्व है लेकिन घुसे जा रहे हैं लोग दूसरे, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने अभी तक 78 ट्रेन अनाउंस कर दी हैं जो 2020 की तुलना में 79 ट्रेन अनाउंस करी थी, लगभग बराबर है। और पिछले साल आपको मालूम होगा कि रेगुलर ट्रेन बहुत कम चल रही थी, इस साल लगभग पूरी रेगुलर ट्रेन चल रही हैं, तो हमें लगता है कि ये पर्याप्त है। लेकिन फिर भी हम लोग रोज़ दिन में दो बार वेटिंग लिस्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आवश्यकता होने पर हमारे पास रेक उपलब्ध हैं, उनको हम रेक्स को शॉर्ट नोटिस पे भी 48 घंटे के नोटिस पे और ज़रूरत हुई तो और छोटे नोटिस पे चलाने के लिए तत्पर हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि रेलवे पूरी तरह तैयार है, यदि वो यात्रा करना चाहेंगे तो रिजर्वेशन करा के आएँ, उनके लिए अवश्य हम लोग उपलब्ध करेंगे। वेटिंग लिस्ट देखते हुए यदि ज़रूरत हुई तो हम लोग शॉर्ट नोटिस पे भी ट्रेन ऐड कर रहे हैं। हम लोगों ने करीब 325 कोच ट्रिप्स भी अनाउंस करी हुई हैं, यानी कोच ट्रिप से मेरा मतलब तात्पर्य हुआ कि हमने 37 कोच एडिशनल ट्रेन्स में लगाए हैं विभिन्न गंतव्यों के लिए और उनके ट्रिप्स मिला के 325 के आसपास बैठती हैं, तो 25,000 की कैपेसिटी यहाँ से भी जनरेट करी है। और 78 ट्रेन्स हैं उसकी भी ट्रेन ट्रिप्स हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो मुझे आशा है कि हमारी तैयारी पर्याप्त है, आवश्यकता होने पर हम ट्रेन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे लोग ट्रैवल कर सकेंगे। आखिरी सवाल है, गति शक्ति एक्सप्रेस आप लोगों ने इंट्रोड्यूस की, तमाम लोगों को सुविधा हुई, एसी इकोनॉमी 3 क्लास है, लेकिन लोगों की जो शिकायत है कि उसका किराया तो स्पेशल के नाम पर, त्योहारी सीजन के नाम पर रेलवे लूट रही है, मतलब जो राजधानी है उससे ज़्यादा किराया है, ऐसा क्या उसमें आप खास दे रहे हैं कि राजधानी से भी महंगा है? गति शक्ति हमने चलाई है, उसमें 20 कोच एसी इकोनॉमी क्लास के हैं और उसका किराया हमने जो तय मानदंड है उसके हिसाब से ही रखा है, उसमें हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। और ये अभी त्योहारी सीज़न में छठ और दिवाली के रश को देखते हुए चलाई है, उसमें हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी उसमें पहली ट्रिप तो 75% ऑक्यूपेंसी पे गई थी क्योंकि दो दिन के नोटिस पे चलाई गई थी, लेकिन उसके बाद की सभी ट्रिप्स जो हैं वो फुल्ली बुकड हैं और कुछ वेटिंग लिस्ट भी है सभी ट्रिप्स में, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आउटवर्ड डायरेक्शन में। और मुझे आशा है कि जो हमारे यात्रियों की जो अपेक्षाएं उन पे हम खड़े उतरेंगे। और भी ट्रेनें चलाने का, इस तरीके की ट्रेनें चलेंगी? देखिए, ये निर्णय अभी इस प्रयोग के बाद उस पर रेलवे बोर्ड लेगा पूरा डेटा लेने के बाद, तो अभी लेकिन ये जो फुल ऑक्यूपेंसी हमें मिली है ये बहुत अच्छा साइन है। मुझे आशा है कि ये हमको इस तरह के निर्णय में सहायक सिद्ध होगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पर आप समझ सकते हैं रेलवे पूरी तरीके से तैयार है तमाम त्योहारी भीड़ को संभालने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे और ट्रेनों का अनाउंसमेंट किया जाएगा। कैमरामैन नितिन के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन दिल्ली।